इस वीडियो में हम बात करें एनिमल्स के लीगल स्टेटस के बारे में। एनिमल्स आर नॉट कैपेबल ऑफ हैविंग द राइट्स एंड ड्यूटीज़, हैंस दे आर नॉट लीगल पर्सनस। तो इसमें ही बताया गया है जो एनिमल्स है वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ के कैपेबल नहीं माने जाते और बिकॉज वो लीगल पर्सन नहीं है। बट इन द ओल्डन टाइम्स दे वर रिगार्डेड एज लीगल पर्सन एंड दे आर बाउंड बाई लीगल ड्यूटीज़। बट अगर हम ओल्ड टाइम की बात करें तो उन्हें लीगल पर्सन भी माना जाता था और उन पर ड्यूटीज़ भी बाउंड थी लॉ की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल इन जर्मनी अ कुक वॉज प्रोसिक्यूटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ नुइसेंस फॉर कॉन्टिन्यूस चिरपिंग। तो इसमें ये बताया गया है कि एक मुर्गा था जो डेली मतलब इतना नुइसेंस क्रिएट करता था लोगों को। कुक वॉज आउट इनटू द प्रिजनर बोर, और जो मुर्गा था उसको प्रिजनर बोर में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। एंड वॉज गिवन द सर्विसेज ऑफ द लॉयर, और उसको लॉयर की सर्विसेज प्रोवाइड की गई। बट द लॉ कुड नॉट प्रूव द इनोसेंस ऑफ द कुक, बट जो वो लॉयर था वो कुक की उस मुर्गे की इनोसेंस नहीं प्रूव कर पाया। एंड द कुक वॉज ऑर्डर टू बी डिस्ट्रॉयड, और उस मुर्गे को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दिया गया कोर्ट की तरफ से। सिमिलरली ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ जहांगीर, अगर हम जहांगीर के टाइम की बात करें, अ बेल वॉज गोट हंग आउटसाइड द पैलेस टू बी पुल्ड बाय एनी पर्सन सीकिंग जस्टिस। तो जहांगीर ने एक अपने पैलेस के बाहर एक बेल लगाई हुई थी कि वो बेल इसलिए लगाई थी जिसको भी जस्टिस चाहिए वो उस बेल को बजा सकता है। वन डे बाई चांस अ बुल गॉट स्टक अगेंस्ट द बेल, और एक दिन एक बुल उस बैल में उसका सींग वगैरह फंस गया या वो टच हो गया होगा किसी भी तरीके से। बुल वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर द किंग, और उस बुल को किंग के सामने लाया गया, जहांगीर के सामने। इट वॉज थॉट दैट बुल हैड कम टू कंप्लेन अगेंस्ट हिज मास्टर फॉर कैरिंग हैवी लोड। तो ये मानकर चला गया कि वो जो बुल है वो इसलिए राजा के पास आया, उसने इसलिए घंटी बजाई है बिकॉज उसका जो मास्टर है उस पर काफ़ी हैवी लोड रखता है। इट्स मास्टर वॉज समन्ड, तो बुल के मास्टर को समन भेजा गया, नोटिस भेजा गया। एंड वॉज द वार्निंग, और उसको वार्निंग भेजी गई उसके मास्टर को, नॉट टू कैरी हैवी लोड इन फ्यूचर ऑन द बुल, कि इस बुल पे दोबारा हैवी लोड नहीं रखना। सिमिलरली इन जैविश कोड एन ऑक्स इंजर्ड द मैन और वुमेन विद हॉर्न, एंड इफ दैट मैन और वुमेन डाइड दैट ऑक्स वॉज टू बी स्टोन्ड एंड इट्स फ्लैश वॉज नॉट टू बी ईटन। तो इसमें यह बताया गया है जैविश कोड में कि एक बलद था, बलद ने किसी आदमी को या किसी औरत को अपने हॉर्न से सींग से मार दिया, और अगर तो वो पर्सन मर गए तो उस बलद को क्या किया जाता था, उसको स्टोन मारकर उसको मारा जाता था जब तक वो मर ना जाए, और उसके मांस को भी खाया नहीं जाता था। ये उसके लिए पनिशमेंट मानी जाती थी। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड वेयर कुक्स, बुल्स, डॉग्स, इवन ट्रंक ऑफ ट्री विच हैज़ फॉलन ऑन ह्यूमन बींग एंड किल्ड हिम वर ट्राइड फॉर होमिसाइड और मर्डर। यहाँ पे बहुत एग्जाम्पल्स बताई गई हैं कि ऐसा पीरियड में जो जानवरों को, इवन ट्री की एक ट्रंक को मतलब टहनी को भी, अगर उससे कोई पर्सन मर जाता है तो उसको उस पर भी ट्रायल किया जाता था मर्डर का, होमिसाइड का। बट इन केस ऑफ मॉडर्न टाइम्स, अब हम बात करें मॉडर्न टाइम्स में क्या चल रहा है। एनिमल्स आर नॉट लीगल पर्संस, एनिमल्स को लीगल पर्सन नहीं माना जाता। लॉ इज़ मेड फॉर ह्यूमन बींग्स, लॉ सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए है। नो एनिमल कैन बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो एक एनिमल है वो ओनर भी नहीं बन सकता किसी भी प्रॉपर्टी का। नो ट्रस्ट कैन बी क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के लिए कोई ट्रस्ट वगैरह भी नहीं क्रिएट की जा सकती। एनिमल्स आर अ काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी, एनिमल्स एक प्रॉपर्टी की तरह माने जाते हैं। फॉर द रॉन्ग्स डन बाय द एनिमल्स हिज मास्टर कैन बी हेल्ड लायबल, अगर एनिमल्स ने कुछ भी गलती करी तो उसके लिए उसके मास्टर को लायबल माना जाएगा। केस कृष्णा राव वर्सेस मराठी। It was held that the person who keeps domestic animals, an animal who is harmful by nature, is liable for the damage them. इसमें यह बताया गया अगर किसी पर्सन ने घर पे डोमेस्टिक एनिमल रखा है, बट अगर उसको पता है कि उसका एनिमल हार्मफुल है, अगर उसने किसी को हार्म कर दिया, किसी को हर्ट कर दिया, किसी का कोई भी डैमेज कर दिया, तो वो लायबल माना जाएगा उसका मास्टर उसके डैमेजेस पे करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कीपिंग द लॉयन, कि अगर किसी ने अपने घर पे लॉयन रखा है, शेर रखा है, इफ़ द डैमेज इज़ डन बाय द एनिमल्स हु आर नॉट ऑफ डेंजरस नेचर। इसमें यह बताया गया अगर कोई ऐसा एनिमल रखा है जो डेंजरस नेचर का नहीं है, लाइक हम बोल देते कैट, बुल्स, कैमल्स, डॉग्स, मास्टर इज़ नॉट लायबल फॉर द डैमेजेस। तो उस केस में मास्टर डैमेजेस के लिए लायबल नहीं माना जाएगा, अनलेस द मास्टर नोज दैट इट वॉज डेंजरस इन नेचर। जब तक मास्टर को खुद भी नहीं पता कि वो एनिमल अब ठीक नहीं है, वो डेंजर है सभी के लिए, cats, bulls, camels, etc. If a man's cattle or sheep stray into neighbor's land or garden, अगर हम बात कर रहे हैं अगर किसी कोई मतलब बकरी वगैरह होगी या गायें होगी वो नेबर के गार्डन में चली गई और उसने गार्डन वगैरह ख़राब कर दिया। नो सूट ऑन द ग्राउंड ऑफ ट्रेसपास इज फाइल, कोई भी ट्रेसपास का सूट फाइल नहीं कर सकता अगेंस्ट द मास्टर। बट फॉर द डैमेजेस डन ऑनर इज लायबल, बट अगर हम बात करें जो डैमेजेस किए हैं उन जानवरों ने, उसके लिए ऑनर लायबल माना जाएगा। ओके, थैंक यू।